हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 24 जुलाई और ये सवेरे का समय है और ये हो गए हैं तैयार। मैं भी तैयार हो गई हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये बारीक साड़ी पहनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अब हम लोग जा रहे हैं प्रिया के यहाँ। यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो प्रिया के यहाँ जाकर देखिए हम लोग जाएँगे मंदिर। ये जा रहे हैं हम मंदिर। मेरी चाल बड़ी ख़राब हो रही है, मुझसे चला नहीं जाता, शिवांगी बना रही है वीडियो। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर। और ये देखिए अब हम जा रहे हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पर है सिया का चटना हो रहा है। तो जो बच्चा 6 महीने का हो जाता है ना, तो उसको खीर चटाई जाती है, खीर चटोनी हो रही है उसकी। तो मैं लेके गई थी चांदी की कटोरी और चांदी की चम्मच उसके लिए। और आज मेरे दामाद संजीव जी का भी बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि वहीं उनके घर जाकर उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दे दी जाएं। तो बेटा जी, हो आप 1000 साल, साल के दिन हों 50,000, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ो, तरक्की करो। और ये देखिए, ये उनके घर के पास का मंदिर है जिसमें हम सब हैं इस समय। देखिए मंदिर देख कर तो आने को जी नहीं करता है। भोग लगाया जा रहा है भगवान को ना, खीर लाए थे हम लोग, तो भगवान को भोग लगाया जा रहा है। और उसके बाद देखिए अब सिया को बैठा के ना, अभी जो है प्रिया की नंद यानी सिया की बुआ जो है ना, वो जल चढ़ा रही हैं। तो जल चढ़ाएंगी, उसके बाद फिर ये लोग बैठ जाएंगे और सिया को खीर चटाएंगे मंदिर में। इसकी खीर चटोनी हो रही है, तो पहले हम इसकी खीर चटोनी का प्रोग्राम देखेंगे और खिलाएंगे, चटाएंगे उसे खीर। और उसके बाद फिर हम लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे। ये देखिए कैसे खड़ा है, देख रहा है चुपचाप। ये शर्मा जाता है, चार जने देखते ही शर्मा जाता है, शराफत में आ जाता है। तो ये लोग बैठ गए हैं, मैं भी इनके बराबर में खड़ी हूँ। तो देखिए ये अब इसको खीर चटाएंगी, लेकिन पहले मांग रही हैं टीका करने के लिए रोली। तो रोली पंडित जी के पास है, सनी लेने गया है, तो वो लेके देगा। मुझे तो पता नहीं कहाँ है सनी, आ रहा है वो देगा। सोनू आ गए, वो ले रहे हैं। तो ये देखिए रोली का टीका लगाएंगे सिया के, और उसके बाद इसको खीर खिलाई जाएगी। आज से ये अन्न की कोई भी चीज़ खा सकती है। तो ये इस तरह से होगा, बहुत अच्छा लगता है। घर के बड़े बूढ़े होते हैं, देखिए वो कितना आपको परंपराएं, संस्कृति सब याद दिलाते हैं, किस तरह क्या होना चाहिए। यही सब देखने के लिए मैं खुद गई थी और आप लोगों को इसी वजह से मैं दिखा रही हूँ। देखिए अकेले हस्बैंड वाइफ होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता बच्चों के बारे में, क्या करना है कैसे करना है। लेकिन देखिए दादा दादी, नाना नानी, बुआएं, ये चाचा चाची ताई, ये सब जो होते हैं ना, रिश्ते भगवान ने बनाए इसीलिए हैं कि देखिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी के हाथ से बंधा हुआ है। रिश्ते में कुछ ना कुछ किसी का फ़र्ज है, किसको ये करना, किसको खीर चटानी है, किसको दूध पिलवाना है, किसको सतिए बनाने हैं दरवाजे पर। तो इस तरीके से ना भगवान ने सारे रिश्तों को ना इस परंपराओं में बांध दिया है, और आप लोगों को और हम लोगों को जोड़ दिया है कि कोई भी अपना काम करना हो तो हम अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं और उनके साथ मिलकर मनाएं और इन्जॉय करें। तो वही सब हो रहा है। ये देखिए हनी भी पूरा पूरा अपना पोज दे रहा है, खड़ा हो जाता है बार बार, बेचारा उसको बार बार हटा देते हैं। तो ये हनी की दादी हैं जो सिया को खिला रही हैं खीर। ये उसके बाबा बैठे हुए हैं, बड़े खुश हैं ये लोग। देखिए लड़की होने पर लोग कितने दुखी होते हैं, लेकिन ये मैंने पहली सास ऐसी देखी है जो सिया के होने पर इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये बहुत खुश थी और मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी ये बात कि ये लड़की होने पर दुखी नहीं है, ये लड़की होने पर मुँह नहीं फुला रही है, इनकी इतनी अच्छी आदत है ये। तो देखिए सिया जो है बड़े अरमानों से मांगी गई है। प्रिया ने तो पता नहीं कहाँ कहाँ की मन्नतें बोली थी। बेचारे को मन्नू को, हन्नू को बैठने को नहीं मिल रहा है। अब ये बैठ गए, इन्होंने अपनी गोद में बैठा लिया। अब ये खीर चटाएंगे इसको, सब लोग बारी बारी से ना इसको खीर चटा रहे हैं। तो सिया खीर के चावल तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूध जो है वो मीठा मीठा है। सिया भी चाटे पड़ी हैं, चाट रही हैं। देखिए इस तरह से बैठी हुई हैं, देख रही हैं क्या हो रहा मेरे साथ। चार जनों को देख कर ना ये दांत फाड़ने लगती हैं, हंसने लगती है इस तरह से। तो ये देखिए खीर खिला दिए, ये कटोरी चम्मच में ले गई थी इसके लिए। ये पहले चूस चूस के खा रही है, जैसे टॉफी खा रहे हो इस तरह से चूस रही है।
ये खाने में बहुत परेशान करती है, दूध नहीं पीती है, बहुत तंग करती है। अब तो पता नहीं अभी हम लोगों को यही हंसी आ रही है कि चलो इसमें खीर क्या जो दूध है ना वो मुँह में ले लिया। अब इसकी बुआ खिला रही है इसको, इसकी छोटी बुआ नहीं आ पाई। वैसे भी कोरोना में आना जाना बहुत कम हो रहा है, आप लोग देखते ही हैं, तो बस उसी के मद्देनज़र बस एक बुआ आ गई हैं, वो इनके पास हैं तो उन्हीं से करा ले रहे हैं। दूसरी बुआ इसके मुंडन पर आएंगी, रक्षाबंधन पर शायद इसका मुंडन होगा तभी आएंगी। और ये देखिए यह नहीं खड़ा हुआ है, ये अपने जुगाड़ में रहता है कि मेरा भी फ़ोटो खींच लो सिया के साथ। तो सिया भी हंस रही है कि खिला रहा है चम्मच से, देखिए ये भी खिला रहा है खीर। ये देखो भाई चम्मच थोड़ी छोटी थी, चांदी बहुत महंगी हो गई है आजकल। बस चांदी का अगर बच्चों के लिए कुछ लेना चाहो तो मन मार के हल्की फुल्की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो ये देखिए ये खाली है इसने खीर, इसकी खीर चटोनी हो गई है, हम लोगों ने भी खिला दी। अब इसके पापा खिला रहे हैं और अभी सनी और शिवांगी रह गए हैं खिलाने से। ये देखो वो चूसने पे लग रही है वो, इधर से उधर देखकर चम्मच पर चूसे पड़ी है। ये देखो जैसे पता नहीं कितनी भूखी हो। तो ये इसकी मंदिर में खीर चटोनी हो गई है, हमारे यहाँ खीर चटोनी कहते हैं ना, खीर खिलाना बच्चे को इस तरह से चटाना ये होता है। अब देखो मैं भी सोनू को ना खिला रही हूँ, मतलब तुम दिखाओ, वो सोच रहे पता नहीं क्या कर रही हूँ। ये इनकी बर्थडे थी आज, इसलिए मैंने इनको इस तरह से आशीर्वाद भी दे दिया और खीर से इनका मुंह मीठा भी करा दिया। आज का बर्थडे इनका मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मना है, मंदिर में आशीर्वाद दिया है, भगवान इन लोगों को ऐसे खुश रखे, सबको खुश रखे। तो भोले बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये देखो प्रिया भी खिला रही है इसको खीर, ये माँ ज़्यादा जानती है बच्चा कैसे खाएगा। वहीं फिर आके बैठ गए, अब सोना बैठेगी, ये खिलाएगी अब उसको खीर। सिया भी खीर को चूस रही है, पूरा टेस्ट ले रही है खीर का। ये खीर चटोनी हो गई है सिया की, देखिए इस तरह से। ये चाट रही है सिया, अब पता नहीं ये क्या करने वाले हैं, इन्होंने चम्मच में खीर भर ली है। अरे इसके बाबा की भी खीर चटोनी कर दी इन्होंने। इसके बाबा को भी चटा दी है खीर, समझ रहे हैं। चलो वही आपकी भी खीर चटोनी करते हैं। ये आशीर्वाद ले रही हैं भगवान जी से, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें। दादी बाबा दोनों चरणों में लिए प्रभु के बैठे हुए हैं, इनको खड़े हुए हैं देखिए इस तरह से। ये सिया ये हमारे घर आती है तो रोने लगती है इधर उधर देख के, लेकिन अब ये यहाँ पे चुप है। इसके दादी बाबा और इसकी बुआ और हन्नी वगैरह सोनू वगैरह इसके पास है तो नहीं बोल रही है, और अगर ये हमारे यहाँ आती है इसे कोई दिखाई नहीं देता तो ये रोने लगती है। तो ये हो गई है इसकी खीर चटोनी, और अब हम जाएंगे घर, इनके घर पर हम लोग इनके जाकर खाना खाएंगे फटाफट, और उसके बाद हम सब लोग मिलकर वैक्सीन लगवाने जाएंगे। ये सनी रह गया था, सनी खीर खिला रहा है। सनी बहुत केयरफुल है बच्चों के मामले में, ज़रा सा दूध लेके लगा रहा है उसके मुंह पे, बच्चों की बहुत केयर करता है ये। ये देखिए इसने चटा दी, बहुत ज़रा सी खीर चटा रहा है, दूध उसको। अब शिवांगी खिलाएगी इसको खीर। ये देखो ये खिला दिया, ये बड़ी खुश है। ये देखिए मेरे हनुमान जी, इनके भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। मंदिर आए और प्रभु के दर्शन ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे मैंने वैसे दिखा भी दिया था आप लोगों को, तो देखिए राधे कृष्ण हरे मुरारे। ये देखिए विष्णु भगवान इस तरह से। और अब हम मंदिर से वापस आ रहे हैं इनके घर जाएंगे। मंदिर इनके घर के पास ही है, तो वहाँ से पैदल ही चले गए थे हम, 20-25 मीटर की दूरी पर मंदिर है। अब हम घर पहुँच गए हैं देखिए, और ये रखा है खाना, और जल्दी हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया क्योंकि हमारा वैक्सीन का टाइम है ना, तो लगवाने जाएंगे खा के। अब देखिए हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल, तो यहाँ पर लग रहा है टीका हमारे। ये देखिए मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से,
लेकिन लगवाना तो पड़ेगा ही, इच्छा नहीं थी मेरी लगवाने की, लेकिन इन सब लोगों ने डांट दिया, लगवाना तो है ही, कहते हैं कोरोना का टीका बहुत ज़रूरी है तो लगवा लो। चलिए ऊपर वाला रक्षा करे, तो मैं भी लगवा ले रही हूँ अपने दिल को समझा के। ये मेरी सेकंड डोज है जो मैंने अब ये देखिए लगवा ली। तो जिसने ना लगवाई हो, प्लीज़ आप लोग ना अगर कोरोना का टीका नहीं लगवाया तो प्लीज़ लगवा लीजिए, कुछ नहीं होता है। देखिए लगने के बाद मैं भी आराम से हूँ, और जब मैं ये सब शूट कर रही थी तो मुझे कई घंटे हो गए थे उसके बाद कर रही थी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे बुखार भी नहीं आया। घर आकर देखिए मैंने खाली बैठने की बजाय ना कपड़े वगैरह धोए, कमरे को साफ़ किया दोबारा से, ताकि मैं खाली बैठूँ तो तबीयत ख़राब होगी, मुझे बस यही ख्याल आता रहेगा, इसलिए मैंने कपड़े वगैरह धो दिए थे और कपड़े धो के सुखा दिए हैं। ये देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तो मैं तेज़ी से अपने काम में लग गई थी आकर, और मनुष हो गया था तो शिवांगी और सनी ऊपर चले गए थे, थोड़ी देर लेटने, जल्दी उठे थे ये सब लोग भी, और यहाँ मैंने देखिए कपड़े भी सुखा दिए हैं। तो धीरे धीरे सारा काम इसी तरह से कर रही हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं है मुझे, टीके की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं लगवाया तो प्लीज़ लगवा लीजिए, ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बीमारी इतनी बुरी है, इतना दर्द दी गई है कुछ लोगों को, उनके घर में जिनके करीबी ख़त्म हो गए ना, उनसे पूछिए आप लोग एक बार, उनसे मिलिए। तो जब सरकार हमें टीका दे रही है तो हम लोगों का फ़र्ज है कि हम लोग जाएँ और लगवा लें। सो प्लीज़ आप सब लोग भी ना जितनी जल्दी हो सके अपना, जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो करा ले, और जिसकी फर्स्ट डोज का नंबर है वो लगवाए, और जिसका सेकंड का है वो सेकंड वाली लगवाए अपनी, लगवा जरूर लें। देखिए लगवाने में कोई बुराई नहीं है। कपड़े मेरे हो गए हैं लगभग सूखने के लिए, मैंने सब डाल दिए, धूप बहुत तेज़ है और साथ में झर यानी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बहुत ही अजीब लग रहा है, इतनी तेज़ धूप निकल रही है और बूंदाबांदी हो रही है। मैंने अपनी चाय बनने रख दी थी, मैं भूल गई, और ये 2 कप की ना ऐसी 1.25 कप के करीब बची है, लेकिन मैंने कि चलो हम दोनों पी लेते हैं, तो हम पी रहे हैं चाय। और आप तो फ्रेंड, ये वीडियो आज इतनी ही, और अब मिलेंगे कल आपसे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो कीजिए प्लीज़, जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा रहता है उसको प्लीज़ टिक कर दीजिए, पैसे नहीं लगते हैं उसमें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, तभी पता चलेगा कि आपको अच्छी लग रही है, आप लाइक कर रहे हैं मुझे। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, चलिए मिलते हैं फिर।